एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं आनंदपूर्ण अपनी परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गुरुजी ने रात्रि में जवाब देने का आश्वासन दिया। शिष्य रोज शाम को नदी से गागर भर लाता था, लेकिन गुरुजी ने उसे उस दिन शाम को गागर लाने से मना कर दिया। रात्रि हुई, शिष्य ने गुरुजी को याद दिलाया। गुरुजी ने शिष्य को एक लालटेन थमाया और कहा, जाओ पहले नदी से ये गागर भर लाओ। उस दिन अमावस्या की घोर काली रात थी। अंधेरे में अपने ही पैर हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं निकला था। अतः उसने कहा, गुरुजी, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और यह लालटेन के प्रकाश में तो केवल 2 कदम तक ही स्पष्ट दिखाई देता है। भला मैं इतना लंबा सफर अंधेरे में कैसे तय करूँगा? आप सुबह तक प्रतीक्षा कर दीजिए, मैं गागर सुबह भर लाऊंगा। गुरुजी बोले, हमें जल की आवश्यकता तो अभी है और तुम सुबह लाने की बात कर रहे हो, जाओ गागर भर कर लाओ। दीन भाव से शिष्य बोला, गुरुजी, अंधेरे में जाना तो संभव ही नहीं है। गुरुजी बोले, अरे मूर्ख, अंधेरे से क्यों डरता है? रोशनी को देख और आगे बढ़। रोशनी तेरे साथ में है और तू अंधेरे से डर रहा है। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर शिष्य आगे बढ़ा तो प्रकाश भी आगे बढ़ गया। बस फिर क्या था, शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य बोला, ये लो गुरुजी, आपका गागर भर लाया, अब तो मेरे सवालों का जवाब दो। तब गुरुजी बोले, मैंने तेरे सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन शायद तुझे ही समझ में नहीं आया। तो सुन, यह दुनिया एक अंधेरी नगरी है जिसमें हर एक क्षण एक लालटेन की रोशनी की तरह मिला हुआ है। अगर उस हर एक क्षण को एक साथ लेकर चलेंगे तो आनंदपूर्व अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। किंतु यदि भविष्य के अंधकार को देखकर अभी से घबरा जाएंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी भविष्य की कठिनाई को देखकर परेशान होने की बजाय मिले हुए वर्तमान के क्षणों का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करने से ही बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।